दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल कुमार आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे डोजेज फॉर्म के बारे में, डोजेज फॉर्म क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डोजेज फॉर्म आर फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग और मेडिकामेंट इंटेंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड गैसियस डोजेज फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले बताएंगे आपको कि डोजेज फॉर्म कहते हैं किसे हैं। तो यानी दवाइयों का वैसा रूप, जैसे कि बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो जैसे टैबलेट हो गया वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और इमल्शन हमारा सीरप वगैरह हो गया तो वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और हमारे जितने भी क्रीम हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, लोशन हो गए तो वो सभी सेमी सॉलिड होते हैं। तो यही सब आदि को हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। ये मेनली तीन प्रकार के होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसमें बताया आपको पहले टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गए इत्यादि इसमें होते हैं, वैसे लिक्विड हो गए, लिक्विड में आपका सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, सिरप हो गया, ये सभी आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गए। इसके बाद होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो इसमें हमारा मान लीजिए कि जो स्किन पर अप्लाई करते हैं इसे हम टॉपिकल एजेंट से बोलते हैं, जिससे हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, जैसे में हमारा कोई भी क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गए, बॉडी लोशन हो गया इत्यादि को हम। और ये चौथा होता है एक, ये ऑप्शनल है, होते मेनली तीन ही होते हैं लेकिन चौथा एक ये ऑप्शनल, ये ऑप्शनल रहता है, इसे अब नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा। इसे गैसियस होता है, जैसे में आप लोगों ने देखा होगा मूवी में जो दामा का पेशेंट होता है, वैसे जो भी विलेन होता है वो इनहेल करता रहता है अपने हाथ से दाब कर नाक में, तो वो गैसियस फॉर्म होता है, वो एरोसोल होता है, एरोसोल का फॉर्म होता है, तो उसे हम लोग गैसियस फॉर्म में बोल होता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसे मेनली थ्री टाइप में ही डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इसके आगे डोजेज फॉर्म, इसको फ्लो चार्ट में आइए तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो डोजेज फॉर्म होता है वो तीन प्रकार मेनली होता है, लेकिन उसमें चार प्रकार का होता ही चार प्रकार का होता है, तो हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, सेमी सॉलिड। तो हमें सॉलिड में देखिए क्या कहा जाएगा, यूनिट सॉलिड, बल्क डोजेज फॉर्म। यानी कि बहुत सी दवाई होती है इसमें, आप लोगों ने पहले के ज़माने में देखा होगा जो होम्योपैथी दवाई आती थी वो एक पुड़िया टाइप की आती थी, कागज़ में उसे पैक करके आपको तुरंत के तुरंत बना कर दिया जाता था, तो उसे बल्क डोजेज फॉर्म बोलते हैं। और एक यूनिट डोजेज फॉर्म, जिसमें हमें होता है कि आपको एक टैबलेट लेनी है, दो टैबलेट ही लेनी है एक दिन में, मतलब कि जो हम आसानी से काउंट कर सके, तो वो यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं। तो उसमें यूनिट में क्या होता है, हमारा टैबलेट आ जाएगा, कैप्सूल आ जाएगा, और बल्क में हो जाएगा हमारा पाउडर, डस्टिंग पाउडर हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं हम अपना लिक्विड डोज फॉर्म। तो लिक्विड डोज फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। यह पहला होता है मोनोफेजिक, बाईफेजिक। तो मोनोफेजिक लिक्विड वैसे लिक्विड होते हैं जिसमें डिस्पर्स मीडियम एक ही होता है, जैसे कि आप लोग सस्पेंशन और इमल्सन बनाएंगे तो उसमें दो फेज इसमें होता है, एक जैसे मैं ऑयल सस्पेंशन का इमल्सन का प्रकार होता है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो इसमें दो फेज हैं, एक ऑयल हो गया और एक वाटर हो गया। तो और फिर से हमारा मोनोफेज में एक ही, तो एक ही होता है तो इसलिए इसे मोनोफेजिक कहते हैं, और इसमें बाईफेजिक में दो होता है इसलिए इसे बाईफेजिक कहते हैं। तो देखिए इसे मोनोफेजिक को फिर से आगे चल के दो भाग डिवाइड किया गया है, इंटरनल यूज़ के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए। तो इंटरनल में होता है जिससे हम लोग ओरली लेते हैं बॉडी के अंदर, जिससे में सिरप हो गए, इलिक्जर हो गया, ड्रॉप हो गया। तो सिरप तो आपको जो नहीं पता ही होगा, सिरप का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जैसे में आसानी से कोई भी व्यक्ति आसानी से ले सकता है, जिससे कि दवाई खाने में प्रॉब्लम होती होगी। और इलिक्जर का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, जो अभी लिक्विड फॉर्मिंग होता है तो इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि मान लीजिए बहुत सी दवाई से पैरासिटामोल हो गया तो उसका टेस्ट मतलब कि बहुत ही बीटर होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, तो उसी को ढकने के लिए हम लोग इलिक्जर का यूज़ करते हैं। और यह इलिक्जर जो है यह हाइड्रो एल्कोहलिक फॉर्म में होता है। तो आप लोग से अगर कोई पूछे कि इलिक्जर क्या है, क्या होता है, इसे डिफाइन करें, तो हम सिंपल बोल सकते हैं इलिक्जर इज अ हाइड्रो एल्कोहलिक फॉर्म विच इज यूज टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ एनी ड्रग। ये सकता है ड्रॉप्स को आपको पता ही है। उसके बाद एक्सटर्नल दे सकते हैं, एक्सटर्नल में हो गया हमारा बॉडी लोशन,
बॉडी लोशन भी आता है लिक्विड फॉर्म में, गॉर्गल्स भी आते हैं, माउथ वाश भी आता है, थ्रोट पेंट्स भी आते हैं। जब गले में इन्फेक्शन होती है तो इसमें थ्रोट पेंट का यूज किया जाता है। आई आई ड्रॉप्स पता ही होगा, नेजल ड्रॉप, नेजल ड्रॉप का उपयोग हम लोग नाक में डालने के लिए करते हैं। इसमें छोटे बच्चों को देखा होगा आपने कि उनकी जो नाक में प्रॉब्लम होती है तो उसे उसे ठीक करने के लिए नेजल ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। और देखते हैं इसका बाइफेजिक में, अब ये तो रहा आपका मोनोफेजिक, इसके बाइफेजिक निकलते हैं। तो बाइफेजिक में दो ही होते हैं, सस्पेंशन इमल्सन और सस्पेंशन। तो आप लोग जैसे ही देख पा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया इमल्सन दो प्रकार का होता है और ये सस्पेंशन दो प्रकार का होता है, फ्लॉक्युलेटेड डिफ्लॉक्युलेटेड। और देखते हैं इन्हें कैसे यूज करते हैं। इन्हें हम ओरली भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, पैरेंटल भी यूज कर सकते हैं और ऑप्थैल्मिक। ओरली मतलब कि हम इस दवाइयों का आसानी से मुंह के अंदर मतलब खा सकते हैं, उसके बाद से एक्सटर्नल यानी उसे आराम से स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और पैरेंटल यानी इसके हम इंजेक्शन के द्वारा भी आसानी से दे सकते हैं, और ऑप्थैल्मिक यानी आँखों में आसानी से डाल सकते हैं। सबका इसका अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है। अब देखते हैं उसके बाद से आपका हो गया गैसियस फॉर्म में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि गैसियस फॉर्म होता है जो मूवी में यूज़ करते हैं, देखा होगा बहुत सी पुरानी मूवीज में कि इन्हेलर का प्रयोग करते हैं, वो होता है एरोसोल हो गया। ये दोनों लगभग लगभग सेम ही होता है देखने में, और अगर सेमी सॉलिड मैंने बताया क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया, सुपर क्रीम, सुपर बीर, सुपर ब्रिज बेस हो गया। तो ये सब हो रहे हैं हमारे डोजेस फॉर्म।